इन एवरी इंडस्ट्री, वो ट्रेडिंग हो या क्रिकेट हो, बॉलीवुड या बिजनेस, 90% लोग फेल होते हैं एंड 10% लोग अपने हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड के वजह से कामयाबी हासिल कर पाते हैं। एंड इट इज सेम विद ट्रेडिंग। एज पर सेबी, 89% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट एंड ओनली 11% पीपल जो कि स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहे। बट द क्वेश्चन इज, ऐसा क्या हो रहा है कि सारा पैसा 11% लोग के पास जा रहा है? सो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ सीक्रेट्स जो ओनली 10% ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मैं यही सोच के आया था कि 3-4 यूट्यूब पे वीडियो देखना है, उसके बाद पैसा ही पैसा। बट आफ्टर वॉचिंग 500+ वीडियोस एंड 3-4 मेंटरशिप प्रोग्राम लेने के बाद भी मेरे को ये समझ में नहीं आया था कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। मेरे मेंटर्स तो प्रॉफिट कर रहे थे, लेकिन मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? उनके पास रोहित मेहरा का टाइम मशीन तो नहीं है जिससे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। एंड विद टाइम आई रियलाइज कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, कुछ मिस्टेक जो मैं कर रहा था जिसके वजह से मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था। सो इन दिस वीडियो मैं आप लोग से शेयर करूंगा 3 मेजर फैक्टर्स जो ओनली प्रो ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। लास्ट पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा लोग लॉस करते हैं। आप सब ये पिक्चर जरूर देखे होंगे जहां पे एक इंसान डिगिंग कर करके एक जगह पे पहुंचता है, एंड रिजल्ट पे पहुंचता है, लेकिन वहीं पे गिव अप करके रिटर्न आ जाता है, फिर दूसरी जगह डिगिंग करना शुरू करता है। और यही होता है हम लोग के साथ। एक लड़का अच्छा खासा सेटअप पे काम करता है, उसको सीखता भी है, अच्छा रिजल्ट भी दिख रहे होते हैं, लेकिन सडनली एक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे एक पॉपअप होता है वीडियो जहां पे ये बताया जाता है कि दिस स्ट्रेटजी विल वर्क 100%, दिस स्ट्रेटजी विल मेक यू रिच, मैंने आज 1 करोड़ बनाया, 10 करोड़ बनाया, और वहीं पे हो जाते हैं ट्रेडर्स डाइवर्ट। नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग, वो इतना पैसा बना रहा है, अगर वही मैं फॉलो करूंगा मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। और ये वीडियो बोल रहा है कि 100% एक्यूरेसी, 100% नहीं होगा तो 80% तो होगा, उसमें तो प्रॉफिट करूंगा, तो ये यूज करना स्टार्ट करता। तो अपने सेटअप से वो दूसरे सेटअप को स्विच कर लिया, और ये चीज कंटिन्यू चलने लगता है, लूप में चलने लगता है। रिमेंबर दिस, जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना ज्यादा मार्केट में आप कंफ्यूजन होगा, जितना सिंपल रहेगा उतना इजी होगा, क्योंकि आप ट्रेड करते टाइम ये सोच रहे होंगे अरे वही तो बोल रहा है अप जाएगा, सुपर ट्रेंड बाय दिखा रहा है, RSI सेल दिखा रहा है, एसएलएंट हुआ है, वहां पे ब्रेकआउट हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए ओनली एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करिए, उसको इंप्रूव करिए जो आपके पास है, अगर नहीं है तो सीखिए, बट उस पे आपको ही काम करना पड़ेगा। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, किसी मेंटर को कॉपी करने से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। आप बस रास्ते में भटक रहे थे, एक रास्ता आपको मेंटर चूज करवा दिया कि आपको इसी जगह जाना है, लेकिन उस रास्ते से आप साइकिल से जाओगे, बाइक से जाओगे या चल के जाओगे, या आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आप अपना इंप्रूव करके चलोगे। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने कंफर्ट के हिसाब से रेडी करिए, ताकि उस जगह पे जब ट्रेड करोगे आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, आप वहां पे ट्रेड करते रहे फुल कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर पाओ। इनको आप जानते ही होंगे, विजय केडिया सर, वो एक इंटरव्यू में कहे थे, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ मच क्वांटिटी दे शुड यू नो ट्रेड विद। Either they will do 1,000 shares, sometime they will do with 5,000 shares, sometime they will with 10 lots and all. That is the biggest reason of their failure in this market. What I said that one should have a consistent quantity, and this quantity should not exceed the capacity of your mind. Remember this thing, it's a mind game. Trading is a game of mind. Trading has got nothing to do with your fundamentals, nothing to do with your stop loss. It is more of a mind game. The moment your quantity exceeds the capacity of your mind will start giving you wrong signals. Then again, your fear and anxiety and worries and all these things will started, you know, overpowering you, and you will lose that trade. You will sell at the lowest and you will buy at the highest. So that quantity, that is why knowing yourself is more important. I am suitable for one lot. I am suitable for two lot. एक trader अपने capacity से ज़्यादा इसलिए लेता है ताकि उसको big profit हो जाए, लेकिन वो big loss के लिए ready नहीं है। वो प्रॉपर कन्फर्मेशन, प्रॉपर सेटअप सब कुछ देख के वो ट्रेड बनाता है, लेकिन मार्केट थोड़ा रिवर्स होते के साथ उसको बिग लॉस दिखने लगता है, उसका ब्लड प्रेशर लेवल, वो बिना एसएल का वेट किए उस ट्रेड से निकल जाता है, एंड उस लॉस को रिकवर करने के लिए वो दूसरा ट्रेड लेता है। एंड यू नो द रेस्ट, ओवर ट्रेडिंग द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ए ट्रेडर। ओवर ट्रेडिंग इज लाइक ईटिंग पानीपुरी, 1-2 राउंड तक ठीक है, 3-4 राउंड हो गया, 5 राउंड के बाद नेक्स्ट सुबह तो क्वांटिटी कितना लोगे आप, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपका दिन भर का स्टॉप लॉस पॉइंट कितना होता है एंड टोटल लॉस टारगेट, दिन भर में मैं कितना लॉस दे सकता हूं, वो देखने से आपको क्वांटिटी पता चल जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में आएगा मैं लॉस कितना ले सकता हूं, जिस लॉस को आप ये कह सके कि कल रिकवर कर लेंगे, एंड जो लॉस आपको इवनिंग तक याद ना रहा। मतलब अगर कोई लॉस आपको दिन भर तो परेशान कर रहा है, इवनिंग में भी परेशान कर रहा है, एंड नेक्स्ट डे सुबह ट्रेड करते ने भी परेशान कर रहा है, तो वो आपका कैपेसिटी से बाहर है, मतलब वो कैपेसिटी बाहर लॉस हुआ। तो उतना लॉस टारगेट सेट करें जो नेक्स्ट डे ट्रेड को इम्पैक्ट ना करे। अब लास्ट पॉइंट, बट बिफोर दैट, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें ताकि इस वीडियो ज्यादातर ट्रेडर्स को पहुंच पाए, और इस वीडियो से वो लोग भी बहुत कुछ सीख पाए। चांदनी चौक टू चाइना मूवी, वो मूवी में एक डायलॉग है जो मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगता है।
पहले मैं क्या करता था, एक स्ट्रेटजी सीखा, उस पर ट्रेड किया 4-5 दिन, मैंने देखा कि लॉस ज्यादा हो रहे हैं प्रॉफिट से, तो मैं क्या करता था, नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे जंप करता था, देन नेक्स्ट, ऐसे लूप में चलता है। इसको कहते हैं गैम्बलिंग ट्रेडिंग। कोई भी कॉन्सेप्ट पे लाइव ट्रेड करने से पहले आपके पास 2-4 साल का बैक टेस्टेड डाटा होना जरूरी है। अगर वो पिछले टाइम आपको 60-70% एक्यूरेसी दे रहा है, मतलब 10 ट्रेड दे रहे हो, 6-7 बार प्रॉफिट कर रहे हो, तो स्ट्रेटजी पावरफुल है। ये डाटा आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करवाता है। और बैकटेस्ट करोगे कैसे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट जाके बैकटेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई यूनिक कॉन्सेप्ट है तो वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअली करोगे पता चलेगा कि आज कैसे मैंने ट्रेड किया, कल कैसे किया, लास्ट 2 साल में कैसे हुआ था, वो मैनुअली आपको करना पड़ेगा, लेकिन जरूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बैकटेस्ट कर लिए, एक्यूरेसी भी अच्छा आया, देन हम नेक्स्ट डे फुल क्वांटिटी साथ ट्रेड ले लिए और आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला, क्योंकि ट्रेड करते टाइम साइकोलॉजी इमोशंस बहुत इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन विथ टाइम ट्रेड करते करते आप अपना गलती समझते हो, उसको नोट करते हो, जर्नलिंग करते हो और उसको ठीक करते हो, क्योंकि आपको पहले टाइम वो प्रॉफिट दिया है तो आगे भी देगा। बट द क्वेश्चन इज, आपके पास है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, तो अपने अंदर झांक से तो है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास जिसको तुम 2-4 साल से बैक टेस्ट किए हो और जिसको तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता।